Hello dear children of grade 2. Today we will do one interesting topic from your book from the page number 26, where some sentences are given that you have to frame the sentences with can and cannot. So from that we are here to explain that what is can. Dear children, can is a model. Can is a model. So today you will put the heading model before writing all these things. Then you have to write can and then the definition of can. That can is a special verb added to the main verb to give additional information. अब आपको समझ में आना चाहिए कि special verb क्या है, main verb क्या है. बच्चों, आप कोई भी बात कहते हैं तो उसके अंदर, जैसे आपने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं स्विम करता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो ये जो खेलना है, डांस करना है, जाना है, ये सभी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिन्हें आप एक्शन वर्ड से भी जानते हैं. मतलब आप कोई जो काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, वर्ब. ये जो सेंटेंस है जिसमें प्ले एक मेन वर्ब है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्ले करना चाह रहे हैं आउटसाइड, बाहर. परंतु प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी एक सपोर्टिव वर्ब है जो इसके लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आप प्ले करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं बाहर खेल लूँ. तो जब इस तरह से कैन वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो इस कैन को स्पेशल वर्ब के नाम से जानते हैं और स्पेशल वर्ब का दूसरा नाम है मॉडल. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर सेइंग हियर. तो जो कैन होता है वो एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को या फिर विलिंगनेस को कि आपकी क्या इच्छा है या फिर आपकी एबिलिटी को कि आप में क्या योग्यता है. तो जैसे सेंटेंसेस होते हैं कि आपको कुछ पूछना है, कुछ आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है, कुछ आपको अपनी योग्यता जाहिर करनी है, तो वहाँ पर आप कैन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आपने अपनी मम्मा से परमिशन लेनी है, मैं मम्मा कैन आई टेक वन पीस ऑफ स्वीट, मम्मा कैन आई टेक माय बुक, कैन आई टेक बाथ. सो लाइक दिस यू मे फ्रेम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस एट योर होम एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस. जैसे आप बोलते हैं मैम कैन आई कम इन, मे आई कम इन, तो जो मे वर्ड होता है वो भी एक स्पेशल वर्ब मतलब मॉडल होता है. अब जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर बी, आई कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर. आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, तो ये आप अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं और यहाँ पर आप अपनी एबिलिटी भी बता रहे हैं. आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो ये आपकी योग्यता है कि आप तैर सकते हैं. तो जहाँ पर आपको इस तरह की बातें बतानी होती हैं तो वहाँ पर आपको कैन वर्ड यूज़ करना पड़ता है. और कैन क्या है, एक स्पेशल वर्ब है और इस स्पेशल वर्ब को आप क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं. सो डियर चिल्ड्रेन, टुडे इन इंग्लिश यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स अंडर द हेडिंग मॉडल, MODAL. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.